हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी में। दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक लेके आई हूँ। आज मैं आपको बताने वाली हूँ फेस क्लीन करने की टिप्स। आइए जानते हैं इसके बारे में। शादी या पार्टी या फिर किसी भी फंक्शन में जाने के लिए हर कोई मेकअप का यूज़ करता है और हर कोई एक दूसरे से सुंदर दिखना चाहता है। और ज़रूरी नहीं कि हम पार्टी में जाने के लिए मेकअप का यूज़ करें, हम थोड़ा बहुत मेकअप तो रेगुलर भी यूज़ करते हैं, मगर हम अपने फेस पर मेकअप का यूज़ तो कर लेते हैं, लेकिन जब उसे रिमूव करने की बात आती है तो हम कुछ छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं जो बाद में हमारे फेस की स्किन के लिए बहुत ही हार्मफुल होती है और जिन पर हम थोड़ा भी ध्यान नहीं दे पाते हैं, जिससे हमारी आंखों में डार्क सर्कल और डार्क पैचेस भी हो जाते हैं। क्या आपको पता है कि इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि जब हम मेकअप यूज़ करते हैं तो उसके बाद मेकअप को रिमूव करने के लिए हम अपने फेस को डायरेक्ट पानी से वॉश कर लेते हैं, जिससे मेकअप हमारे पूरे फेस पर फैल जाता है और वो हमारे फेस के ओपन पोर्ट्स में चला जाता है, जिससे हमारे फेस पर नए नए प्रॉब्लम्स आने शुरू हो जाते हैं। अगर आप भी अपने फेस पर किसी भी प्रॉब्लम को नहीं बुलाना चाहते हैं तो आप हमारी ये वीडियो ज़रूर देखें, जिसमें मैं आपको बताऊँगी क्लिनजिंग मिल्क के बारे में, जो आपके फेस को मॉइस्चराइज करने के साथ साथ आपके फेस के मेकअप को भी रिमूव करेगा। तो आइए जानते हैं इसके बारे में। तो आइए जानते हैं इसे बनाने की विधि। इस क्लिनजिंग मिल्क को बनाने के लिए आप अपनी पसंद का कोई भी मॉइस्चराइजर लोशन या कोई भी मॉइस्चराइजर क्रीम ले सकते हैं। फिर इस मॉइस्चराइजर लोशन या क्रीम को एक बाउल में 4 चम्मच डाल लें और इसमें 4 चम्मच गुलाब जल डाल दें। गुलाब जल डालने के बाद इसमें विटामिन ई कैप्सूल डालें, और यदि आपके पास विटामिन ई कैप्सूल नहीं है तो आप इसमें 1/2 चम्मच ग्लिसरीन या कोकोनट ऑयल भी मिक्स कर सकते हैं। अब इन सभी को अच्छी तरह मिक्स कर लें। अब आपका क्लिनजिंग मिल्क यूज़ करने के लिए तैयार है। अब जब भी आपको अपने फेस के मेकअप को रिमूव करना है तो आप अपने फेस पर इस क्लिनजिंग मिल्क को लगाएं और एक टिश्यू पेपर लेकर अपने फेस को क्लीन कर लें। इस टिश्यू पेपर पर आपके फेस का सारा मेकअप उतर आएगा और जब आप अपनी आईज का मेकअप रिमूव करें तो एक टिश्यू पेपर पर थोड़ा सा क्लिनजिंग मिल्क लेकर अपनी आईज पर 2 से 3 सेकंड के लिए रखें और फिर अपने आईज मेकअप को धीरे धीरे रिमूव करें। आप देख सकते हैं कि आपके आईज पर जो भी मेकअप लगा हुआ है वो सब छूट जाएगा और टिश्यू पेपर पर लग जाएगा। मेकअप रिमूव करने के बाद अपने फेस को नॉर्मल पानी से वॉश कर लें। आप इस मिल्क को ड्राई स्किन पर भी यूज कर सकते हैं और विंटर सीजन में भी इस क्लिनजिंग मिल्क का इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ दोस्तों कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें। अगर आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं या फिर आप किसी परेशानी का हल ढूंढ रहे हैं तो आप हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर सकते हैं। दोस्तों, हमारे चैनल हेल्थ टिप्स हिंदी को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हम फिर मिलेंगे आपकी प्रॉब्लम हमारी सॉल्यूशन के साथ। मैं आऊँगी रोजाना नए नए घरेलू उपचारों के साथ, जिससे आप अपनी परेशानियों को दूर कर सकते हैं। तब तक के लिए फिट रहें, हेल्दी रहें, खुश रहें। थैंक यू।